नमस्कार, सर्व एएसएस के कंसल्टेंट चैनल पर केता सर्वेसम हार्दम हार्दम स्वागतम करमि। मित्रानि, एषा सूचना जे छात्रा संस्कृतेन विशिष्टाचार्य एमफिल विद्यावारिधि पीएचडी कर्तुम इच्छन्ति तेषां कृते रामटेक स्थान कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः 2021-22 वर्ष निमित्तं विद्यावारिधि विशिष्टाचार्य आवेदनाय सूचना आगता। तर्हि सूचनां पश्यामः। सूचनायां किम् उल्लेखितम् अस्ति पश्यामः। मित्राणि, पश्यन्तु अत्र प्रवेश प्रारंभः तत्र 2021-22 वर्ष निमित्तं एव कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक। तर्हि कस्मिन् कस्मिन् विषये एव विशिष्टाचार्य तथैव विद्यावारिधि कृते सूचना आगता पश्यामः। पश्यन्तु अत्र वेद तथा व्याकरण विभाग, वेद व्याकरण विभागे एव विशिष्टाचार्य विद्यावारिधि आवेदनाय सूचना आगता। पश्यन्तु अत्र वेद पाठ्यक्रम, वेद पाठ्यक्रमे तु बीए अपि अस्ति, एमए अपि अस्ति, परन्तु अस्माकं द्रष्टव्यं, पश्यन्तु अत्र विशिष्टाचार्य वेद एमफिल कृते सर्वे जानन्ति एव 2021 वर्षे नूतन शिक्षा नीतो एव एमफिल न भविष्यति इति। परन्तु पश्यन्तु कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय वेद तथा व्याकरण विभाग पक्षतः आवेदनाय एषा सूचना आगता विशिष्टाचार्य कृते। तथैव पश्यन्तु विद्यावारिधि पीएचडी कृते अपि पश्यन्तु एषा सूचना आवेदनाय। अत्र स्नातकतरे एमफिल कृते तु स्नातकतरे न्यूनातिन्यून 55% अपेक्षितम् आवश्यकम्। यदि स्नातकतरे 55% अस्ति चेत् एमफिल कर्तुम् आवेदनाय एव एलिजिबिलिटी भविष्यति, योग्यता भविष्यति। तथैव विद्यावारिधि कृते न्यूनातिन्यून एव योग्यता अस्ति स्नातकतरो 55%, पीएचडी कृते अपि, एमफिल कृते अपि 55% आवश्यकम्, तथैव विद्यावारिधि कृते अपि 55% आवश्यकम्। तर्हि एषा सूचना वेद तथा व्याकरण विभाग पक्षतः एव सूचना, वेद विषये वयम् एव दृष्टवन्तः, वेद पाठ्यक्रमे तु आसीत् एव अस्ति, विशिष्टाचार्य एमफिल अस्ति, पीएचडी अपि अस्ति विद्यावारिधि। इदानीं पश्यामः व्याकरण विभाग। अत्र पश्यन्तु आङ्ग्लभाषायां लिखितम् अस्ति, एडमिशन अपेन फॉर 2021-22 वर्ष निमित्तम् एव डिपार्टमेंट ऑफ वेद व्याकरण विभाग संस्कृत व्याकरण प्रोग्राम बीए एमए तो अस्ति एव, अस्माकं द्रष्टव्यं एमफिल। अत्रैव पश्यन्तु एमफिल इन व्याकरण एलिजिबिलिटी अपि अस्ति, द कैंडिडेट मस्ट हैव टू कंप्लीटेड एमए और आचार्य इन संस्कृत विथ मिनिमम 55% मार्क, एमए अथवा आचार्य मध्य 55% अस्ति चेत एमफिल एव आवेदन कर्तुम एलिजिबिलिटी भविष्यति, योग्यता भविष्यति। तथैव पीएचडी इन व्याकरण कृते, पीएचडी इन व्याकरण कृते का योग्यता एलिजिबिलिटी पश्यन्तु अत्र, द कैंडिडेट मस्ट हैव टू कंप्लीटेड एमए और आचार्य इन संस्कृत व्याकरण विथ मिनिमम 55% मार्क्स, न्यूनातिन्यून 55% आवश्यकम् अस्ति। यदि एमए आचार्य मध्ये अस्ति चेत् भवन्तः अपि आवेदनं कर्तुं पारयन्ति। तर्हि एषा सूचना आसीत् कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः। सर्वे आवेदनं कुर्वन्तु जे जे इच्छन्ति, यद्यपि नूतनौ
शिक्षा नीतो एव एमफिल न भविष्यति इति सूचना आसीत्। तथापि विश्वविद्यालयं प्रति तथैव कः अपि संदेश नास्ति इति कारणात् एमफिल कृते अपि अस्मिन् वर्षे सुजगः विश्वविद्यालय पक्षतः दत्तवान्। अस्तु, एषा सूचना आसीत्।